हेलो एवरीवन, मैं हूं कोडर सिंह और आज हम पढ़ेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं एंड रिएक्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्यों बूटस्ट्रैप से बेटर है और कहां कहां हमें काम में आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू कॉम्पोनेंट। तो हम सोर्स के अंदर, ये मैंने अपना डायरेक्टरी खोला हुआ है एटम के अंदर, तो हम सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे कॉम्पोनेंट नाम का। कंपोनेंट्स के अंदर एक हम नया न्यू फाइल बनाएंगे बटन डॉट जेएसएक्स नाम की। बटन डॉट जेएसएक्स के अंदर हम बटन डॉट जेएसएक्स भी लिख सकते हैं, या फिर चलो कंफ्यूज नहीं करते तो सीधा हम इसको जेएस ही लेने देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा। तो हम जो हमारा मेन है, हमें जो फर्स्ट कॉपी करना है वो ये कॉपी करना है इम्पोर्ट रिएक्ट एंड कॉम्पोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। अभी जो है हम यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर देंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम बटन लिख देंगे। ये जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है ये हम यहाँ से काट के ऊपर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, नीचे ज़रूरी नहीं हम नीचे ही लिखें। तो जैसे अभी हमें इधर बटन बनाना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास नेम हम यहाँ पे नहीं देंगे अभी, अभी सिर्फ हमें बटन चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे BUTT1 बटन कोडर सिंह एंड हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हमारा बटन फ्रॉम कंपोनेंट्स डॉट स्लैश मींस करंट डायरेक्टरी, ये देख रहे हैं डॉट स्लैश मींस करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी के बाद कंपोनेंट्स फोल्डर में जाएंगे हम, कंपोनेंट्स स्लैश बटन्स बटन डॉट js, ठीक है। एंड मैं अपना यहाँ पे अपना जो है बटन कॉल कर दूंगा। जैसे सेव किया, यहाँ पे देखिए मेरा बटन आ गया कोडर सिंह के नाम से। अब इसके अंदर जो है कि मैंने रिटर्न के अंदर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंथीज है, राउंड ब्रेसिस है, यहाँ पे पेरेंथीज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन में है। अगर ये एक लाइन से ज़्यादा का होता, लेट्स सपोज ये एक लाइन से ज़्यादा का होता तो फिर तभी भी आप देख सकते हैं रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे, अगर एक लाइन से ज़्यादा करना है तो यहाँ पे हम डिप लगाएंगे। डिप लगाया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, इसको इंडेंटेशन कर दी। इंडेंटेशन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये ऊपर का हमारा रह गया था, तभी जैसे रिफ्रेश होगा वो आ जाएगा। सी अभी जो मैं चाहता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर दो बटन चाहिए तो मैं कंट्रोल एक्स कोडर सिंह टू के नाम से बटन बना देता। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए दो बटन आ गए इमीडिएटली। लेकिन अगर मैं बोलूँगा डिव हटा दूँ तो एरर आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न के अंदर जो है हम सिर्फ एक ही बड़ा टैग पास कर सकते हैं, मतलब कि एक ही टैग पास करेंगे, उसके अंदर चाहे आप अनलिमिटेड टैग डाल दो, चाहे बटन के अंदर यहाँ पे पी टैग भी डाल सकते हैं हम, हेलो भाइयों, जैसे मैंने हेलो भाइयों लिखा, यहाँ पे रिफ्रेश होके हेलो भाइयों आ गया। मैं अनलिमिटेड टैग डाल सकता हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर एक और डिफ टैग बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं फिर से एक H1 टैग डाल सकता हूँ, यो मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, तो देखिए यो। लेकिन मैं जो बाहर का टैग है रिटर्न के बाद वो एक ही होना चाहिए और एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगर इम्पोर्ट या अगर नहीं चल रहा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ये डॉट स्लैश का मतलब करंट डायरेक्टरी होता है एंड स्लैश बटन मीन्स यहाँ पे। ये जो ऐप डॉट जे एस है फाइल, ये देख सकते हैं ये इसी डायरेक्टरी के अंदर है, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर, और सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही हमारा फोल्डर कॉम्पोनेंट्स है।
कंपोनेंट्स के अंदर हमारा बटन डॉट जे एस है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि स्टेट क्या होती है और स्टेट का क्या यूज़ है। थैंक यू सो मच।